अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी अपनी सारी तैयारियां जो जो मैं इवेंट के लिए करूंगी। तो आज वो दिन है जिसका बेसब्री से सबको इंतज़ार था, यानी आज है बर्थडे। तो सारा इवेंट मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ, तो मज़ा आया तो कमेंट कीजिएगा। चले चलते हैं। सबसे पहले मैं लगाने लगी हूँ अपने हैंड पे नेल, क्योंकि मेरे नाखून बहुत छोटे हैं, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही मिनी नाखून है मेरे। तो बर्थडे के इवेंट के लिए भी मैं नकली नेल लेके आई थी। ये सारे देखें कितने प्यारे चेन लगे हैं, मोती लगे हैं। तो वैसे तो इसके साथ मिली थी हमें ग्लू, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये ग्लू मिली थी, मिनी ग्लू सी थी नेल पे लगाने वाली, मगर इससे देख के नेल बार बार उतर ही जा रहे थे। तो मैंने अपने नेल करने फिक्स परमानेंट के बर्थडे के इवेंट में उतरना जाए, इसलिए मैं ले आई थी एल्फी। अब इससे लगाएंगे अपने नेल, तो आपको दिखाती हूँ एल्फी के साथ नेल लगा के कितने प्यारे लगते हैं और उतरते भी नहीं हैं, सबसे अच्छी बात है ये। ये मैंने सेकेंड हैंड पे अप्लाई करने हैं और ये मेरे दूसरे हाथ के हैं, क्योंकि दो मैंने लगा दिए, देख सकते हैं यूनिक सी लुक आ जाती है। ये बाकी जाइए एक्स्ट्रा, ये मेरी सिस्टर ने लगाए हैं और ये हैं मेरे, देख सकते हैं सादा एल्फी बहुत बेस्ट है। ये है कि बाद में उतरते नहीं हैं, मगर कोई बात नहीं, चलता है, गर्म पानी से उतार लेंगे, हमारे पास घरेलू टोटके। फाइनली गाइस मेरे नेल लग चुके थे, तो ये देखिए फाइनल रिजल्ट आ गया। वैसे ये नेल बहुत बड़े बड़े थे, मैं यहाँ पे कह रही थी मैं तुम्हें कट कर देती थी, मैंने कहा नहीं। तो देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मेरे बाल फटाफट स्ट्रेट कर दो, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर लिए हैं। तो मैंने उनको कहा स्ट्रेट कर दें, तो मैंने स्ट्रेट करी है एक अच्छे स्ट्रेटनर से, देख सकते हैं कर्ली बालों के लिए वाला स्ट्रेटनर बहुत अच्छा है। ये मैंने 4000 में परचेज़ किया था, आप भी ले सकते हैं, रिबेंडन का है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे मेरी सिस्टर स्ट्रेट कर रही थी, साथ साथ मेरा व्लॉग बन रहा था। ये मैं स्ट्रेट हो गया हूँ, देखिए कितने प्यारे सिल्की बाल लग रहे हैं, ये देखें। यहाँ पे मैं एक्शन मारती, देखें कितने आराम से हाथ फेर रहे हैं अंदर। उसके बाद मैं दिखाना कि मेकअप से पहले क्या क्या आप फेस पे लगाएं, जिसकी वजह से ड्राइनेस नहीं आती और बेस फटी फटी नहीं लगती। एलोवेरा लगाना चाहिए, लोशन लगाना चाहिए, थोड़ी से वैसलीन लगा लेनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले अपने मेकअप करने से पहले में आइस पे लेंस लगाना चाहिए, देखिए मैंने लेंस लगा लिया है। ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने लेंस लगाए थे, ज्वेलरी मैंने सासा निकाल के रख ली थी, जो जो हम सब बहनों ने ज्वेलरी पहनी थी। और यहाँ पे मैंने अपने मेकअप दिखाती हूँ, कौन कौन सा मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किया। कंसीलर लगाया, उसके बाद बेस, फिर ब्लशर लगाते हैं, ब्लशर लगाने के बाद लिपस्टिक लगाते हैं कोई भी अच्छी सी, जो उनसे आपके सूट के साथ अच्छी लगेगी। उसके बाद वाइट पेंसिल, आई पेंसिल जो होती हैं वो लगानी है, मस्कारा लगाना है। उसके बाद सिल्वर कलर का मैंने आईलाइनर लगाया था और सिल्वर हाइलाइटर आई है चिक्स पे लगाने के लिए। उसके बाद आई शेडोज पे मैंने ग्रीन सूट पहना था, इसलिए वजह से मैंने ग्रीन कलर लगाया था। मेकअप करने के बाद मेकअप फिक्स लगा लें ताकि आपका मेकअप फिक्स रहे, इवेंट था आपको। उसके बाद मैं इस भाभी जो है मेरी सिस्टर से हेयर स्टाइल बनाने आई थी, देखिए कितना प्यारा उसने हेयर स्टाइल बनाया। मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूवर्स को दिखाया जाए। तो अगर आप लोग हेयर स्टाइल वाली वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी इवेंट पर पहुँच के, तो स्टे ट्यून्ड। और